नमस्कार, आज हम बनाएंगे पुदीने का शरबत। यह न सिर्फ ठंडक पहुंचाता है बल्कि पेट के विकारों को भी दूर करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कुक विद पूर्णिमा। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ताजे पुदीने की पत्तियां करीब एक कटोरी, 3-4 नींबू का रस, काला नमक और जीरे का पाउडर। हमने जीरा भूनकर इसे पीस लिया है। तो सबसे पहले हम नींबू जो है इसका रस निचोड़ लेंगे। करीब आधा कटोरी हमें नींबू का रस चाहिए। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम खट्टा पसंद है तो आप कम ले लीजिए। तो अब ताज़ी जो पुदीने की पत्ती है इसे हमने धो लिया है और मिक्सी के पॉट में हमने इसे अच्छा महीन पीस लिया है। ये करीब एक कटोरी इसका रस बन जाएगा। अब पतीला गरम करते हैं। इसमें हम करीब 2 कटोरी शक्कर लेंगे। एक कटोरी हो गई और ये दूसरी कटोरी, तो 2 कटोरी हम शक्कर लेंगे और करीब 1 कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे और इसे हम उबलने देंगे। शक्कर सारी घुल जाएगी और ये जो है बॉईल होने लगेगा। ये देखिए, जब ये बॉईल हो जाए अच्छे से और शक्कर घुल जाए तो हम इसमें पुदीने का रस मिला देंगे। ये करीब 1 कटोरी है, इसे हम मिला देंगे और अब अच्छे से चलाते हुए हम काफ़ी देर तक इसे पकाएंगे, जब तक कि ये जो है रस ये गाढ़ा ना हो जाए। इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और काला नमक, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी तक हमने करीब 10 मिनट ये जो है रस को उबाल लिया है। पंद्रह से 20 मिनट तक हमें ये पकाना चाहिए ताकि रस जो है बहुत ठीक हो जाए। इस चाशनी को आप हाथ से छूकर देख सकते हैं। एक तार की चाशनी बनने तक, एक तार की चाशनी से थोड़ा सा कम, बस इतना होने तक हमें इसे पकाना है। जब हाथ में चिपचिपा लगने लगे और एक तार की चाशनी बनने लगे तो समझ लीजिए कि ये तैयार हो गया है। अब इसे हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। करीब 1 मिनट बाद अब हम इसमें नींबू का रस मिला देंगे। नींबू का रस डालने के बाद हमें उबालना नहीं है और खोलते घोल में हमें नींबू का रस मिलाना नहीं है। जब हल्का सा ठंडा हो जाए तब हम नींबू का रस मिलाएंगे, नहीं तो उसमें कड़वापन आता है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे छान लेंगे और एक मर्तबान में भर के रख लेंगे। आइए आपको बताते हैं कि कैसे बनाते हैं शरबत। आइस क्यूब डाल दीजिए ग्लास में और इसमें कम से कम 3-4 टेबल स्पून जो है शरबत हम इसमें मिलाएँगे।
अब इसमें चिल्ड पानी डालेंगे। और इसे चम्मच से अच्छी तरह घोल लेंगे। लीजिए, शरबत तैयार है। आप इसे पुदीना की ताज़ा पत्तियों और नींबू से सजा सकते हैं। लीजिए, बहुत ही टेस्टी और ठंडक देने वाला शरबत तैयार है। घर के घर में किसी भी कोल्ड ड्रिंक से बेहतरीन। थैंक यू।